टीवी के टॉप सीरियल अनुपमा में रोजाना कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे दर्शक शो से जुड़े रहते हैं और लगातार प्यार बरसाते रहते हैं। बीते एपिसोड में आपने देखा कि शाह हाउस में काव्या वनराज पर अपना गुस्सा जाहिर करती है। वनराज काव्या के करीब आने की कोशिश करता है लेकिन काव्या उसे धक्का दे देती है। वो कहती है कि वे अपने शरीर पर अंगारे बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन तुम्हारा हाथ नहीं। ऐसा लगता है कि कोई अजनबी छू रहा हो। वनराज कहता है ये कोई फिल्म नहीं है जो डायलॉग मार रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। काव्या कहती है जो तुमने मेरे साथ किया है ना उसके बाद मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स खत्म हो गई हैं। वैसे दोस्तों आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा शाह हाउस पहुंच गई है जहां पहले ही बा अनुपमा को कोस रही होती है। अनुपमा कहती है कि वो पिकनिक पर नहीं जा पाई है क्योंकि अनुज ने मना कर दिया। बार बार यहाँ से फोन आ रहे थे और अनुज को लगा कि पिकनिक पर भी ऐसा ही फोन आते रहेंगे तो जाने का क्या फायदा। बा कहती है तेरा पति अगर तुझे पिकनिक पर नहीं ले गया तो हमारी क्या गलती। तो अनुपमा कहती है इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए जो फोन करते हैं उसमें मेरी गलती है। अनुपमा बताती है कि पिकनिक पर माया गई है। ये सुनकर बा कहती है कि माया क्यों गई है, वो छोटी अनु की माँ है या अनुज की पत्नी। उधर अनुज अनुपमा को मिस कर रहा है। वहाँ मौजूद सभी लोग अनुज और माया को कपल समझने लगते हैं तो अनुज भड़क जाता है। वो कहता है कि वो बार बार एक ही चीज नहीं कहेगा। माया कहती है कि गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है, किसी के कहने से हम कपल नहीं बन जाते, ये सब छोटी के लिए कर रहे हैं। उधर शाह हाउस में अनुपमा और बाकी सभी लोग रात को गपशप का प्लान करते हैं और वनराज मन ही मन अनुपमा के बारे में सोचता है और उसे देखकर मुस्कुराता है। ये चीजें काव्या नोटिस करती है। उधर माया अनुज के साथ गेम खेलती है लेकिन अनुज जानबूझकर हार जाता है। आने वाले एपिसोड में माया को गुंडे घेर लेंगे।